हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पनीर की बहुत ही बढ़िया डिश पनीर हैदराबादी की रेसिपी लाई हूँ। तो स्टार्ट करेंगे बनाना। एक पैन में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल के डाले, कोई सा भी ऑयल इस टाइम पे आप ले सकते हैं। 5-6 लहसुन की कलियां हैं वो डाल दी। इसको इसी तरह से हम रफली पकाएंगे, पहले कट नहीं किया मैंने। इसी तरह से रफली एक लार्ज साइज का प्याज मैंने कट किया है वो भी ऐड कर देंगे। हल्का ब्राउन होने तक इसको हम इसी तरह से ऑयल में पका लेंगे दोनों चीजों को। 1-2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम एक लार्ज साइज का टमाटर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने पालक की 15-20 पत्तियां अच्छे से वॉश करके रफली चॉप करके रखी हैं। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम इसमें ये पालक ऐड करेंगे। ये देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए। अब ये पालक यानी स्पिनच के पत्ते धो के रखे थे वो ऐड कर देंगे। इनको भी 2-4 मिनट इसी तरह से पकने देंगे। ये देखिए 2-3 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी, ऑप्शनल है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा स्पाइसी खाना है तो आप हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। ये देखिए बस 2-3 मिनट मसालों के साथ पालक को कुक किया। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया जो मसाला था उसका। अब ये मैंने लिया है 3 छोटे चम्मच दही, 2-3 छोटे चम्मच ही मलाई, फ्रेश मलाई है। इसकी जगह पर आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं। बटर में बनाएंगे अब इसको। और ये 250 ग्राम मेरे पास फ्रेश पनीर है, इसको मैंने पीसेस में कट करके रखा है। कुछ हम खड़े मसाले डालेंगे जो कि इस तरह से हैं, 2 तेज पत्ता, छोटी सी स्टिक दालचीनी की, इलायची, लौंग भी डाल सकते हैं आप इसमें। पैन ले लेंगे दोबारा से, उसमें हम बटर ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैंने बटर के ऐड किए। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। ये देखिए इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर दिया और ये जो खड़े मसाले रखे थे वो ऐड कर देंगे ताकि बटर में अच्छे से इनका फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट के बाद इसमें अब हम जो हमने पेस्ट बना के रखी थी वो ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें हम खड़े सभी ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे, सूखे मसाले। 1/2 से थोड़ा सा कम मैंने इसमें डाला है नमक 1/4 चम्मच, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। बस अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक के ऑयल सरफेस आउट होना ना शुरू हो जाए। ये देखिए ऑयल साइड से सरफेस आउट होना शुरू हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम दही ऐड कर देंगे और फिर से इसको 4-5 मिनट दही को अच्छे से कुक होने तक स्पून चलाते हुए इसको पका लेंगे। दही कुक हो गया, अब इसमें हम जो मलाई रखी थी वो ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से कुक कर लेंगे इसमें जो हमारा मसाला है। ये देखिए मलाई भी अच्छे से कुक हो गई। फ्रेंड्स, इसकी जो ग्रेवी होती है
वो थोड़ी सी थिक ही होती है। अगर आपको थोड़ी सी इसकी ग्रेवी थिन चाहिए, यानी थोड़ी सी पतली चाहिए, तो इसमें आप दूध ऐड करके अपने हिसाब से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। पनीर के पीसेस डाल देंगे और इस पर अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। मिक्स कर लेंगे, बस एक दो मिनट इसको रखेंगे ताकि पनीर में थोड़ा सा ग्रेवी का टेस्ट आ जाए और इसको फिर हम सर्व करेंगे। पनीर हैदराबादी बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। इसे हम तंदूरी चपाती, गार्लिक नान या किसी भी तरह की प्लेन परांठी के साथ सर्व कर सकते हैं। जरूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही पसंद आएगा आपको। और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।